नमस्ते आप सभी को, मैं विदु चौधरी, योग थेरेपिस्ट, और आई वेलकम यू ऑल टू योग सीरीज एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 क्या है कि अगर आपको बहुत पसीना आता है किसी योग में, योग का अभ्यास करते हुए या पीटी करते हुए या कोई और वर्कआउट करते हुए, तो कोशिश कीजिए उस पसीने को फेस पर, इसी तरह की फेस पे आया है तो उसी से उसको रब करने की। इससे फेस पे आपका निखार बढ़ता है, ग्लो बढ़ता है। याद रखिए, किसी भी वर्कआउट में आपके पसीने आते हैं उसको पोछे नहीं, उसको उसी पे वहीं पे मसाज करें उसकी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, Q&A में। दो क्वेश्चन लेंगे, छोटे छोटे से हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आया मेरे पास कि मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है और जबकि उनके फ्रेंड को उतना पसीना नहीं आता है योग अभ्यास के दौरान। तो पसीना हमें पहले देख लेंगे कि क्यों आता है। पसीना हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है तो आपको ज्यादा पसीना आएगा। क्यों? क्योंकि स्किन के ऊपर से जब वो पसीना भाप बनके उड़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन करता है और आपकी बॉडी से पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है कि हमें पता है कि हमें तासीर बहुत अलग होती है, हर एक पर्सन की अलग तासीर होती है और उस पर्सन को उसी तासीर के अकॉर्डिंग पसीना आता है। जो जैसे कि मान लीजिए कोई है जिसको बहुत गर्मी ज़्यादा लगती है, तो जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए पसीना उनका उतना ज़्यादा ही आएगा और चांस की बात है उन लोगों को सर्दी कम भी लगेगी क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली ही ज़्यादा रहता है। और जो लोग जिनको पसीना कम आता है तो जनरली वो लोग ये नोट करेंगे कि उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जनरली ही कम रहता है। और पसीना कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म क्या है आपकी बॉडी का, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हॉर्मोन्स की वजह से भी आता है पसीना, जब हॉर्मोन चेंज होते जैसे मेनोपॉज के टाइम पे आप देखेंगे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों पर भी आपका पसीना डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आता है या कम आता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आया है हमारा कि एक है जिनकी बेटी 10 साल की है और अभी भी बिस्तर पर वो यूरिन करती है। तो बच्चा अब बड़ा हो चुका है तो यस, अब ये कंसर्न की बात होती है कि बच्चा अभी भी यूरिनेट क्यों कर रहा है बेड के ऊपर रात को सोते हुए। तो इसके लिए पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे रीज़न क्या है और जो रीज़न है रीज़न के अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर रीज़न आपका ये है कि बच्चा या तो सपने में डर जाता है, सपना आता है सपने में डर जाता है, या फिर सपने में ऐसा आता है कि बच्चा वॉशरूम में ही बैठा हुआ है, होता है फोबियाज हैं, कुछ डर लगता है, सपने भयानक आते हैं तो इस वजह से बच्चे का यूरिन निकल जाता है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में बच्चे को मेडिटेशन की ज़रूरत है। बच्चा मेडिटेशन करने के लिए लायक नहीं होता है क्योंकि वो उसका दिमाग बहुत चंचल होता है, तो उसके लिए क्या है? गाइडेड मेडिटेशन है। तो आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर गाइडेड मेडिटेशन है, एक साइक्लिक मेडिटेशन वो कर सकते हैं, नहीं तो एक 14 मिनट की मेडिटेशन मैंने दी हुई है वो कर सकते हैं बच्चे के साथ। मतलब गाइडेड है, आपको बच्चा बस आंख बंद करके इंस्ट्रक्शन सुनता रहता है, उनको फॉलो करता रहता है, तो वो करवाइए बच्चे को। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है बच्चे का कि ब्लैडर फुल है, रात को ब्लैडर फुल करके वो सोया है, मतलब पानी पी के सोया है, और जब रात में अर्ज होती है तो आलस के मारे बच्चा उठता नहीं है तो बच्चा वहीं कर देता है। तो इसका क्या सलूशन है? इसका सलूशन ये है कि बच्चे को हमेशा रात को यूरिन करवा के, और मेक श्योर कीजिए अगर बच्चा 9 बजे सो रहा है तो 7-8 बजे आपने पानी पिला दिया और 9 बजे बच्चे को यूरिन करवा दिया और फिर बच्चे को सोने के लिए भेज दिया, ठीक है? तो ये इसका सलूशन। और थर्ड रीज़न क्या है, क्या हो सकता है बच्चे का? कि बच्चे का स्प्रिंक्टर जो है वो बहुत लूज है, वो बहुत वीक है, मतलब जो आपकी यूरिन की मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करके होल्ड करके रखती हैं यूरिन को, वो लूज है। तो वो लूज होने के चक्कर में यूरिन लीक हो जाता है, करता नहीं है बच्चा, लीक हो जाता है। उसके लिए क्या है? तो उसके लिए एक प्रैक्टिस है अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा कैसे करते हैं? जो आपका नीचे पेल्विक फ्लोर है, आपका एनल रीजन है, आपका जहाँ से आप यूरिन करते हैं वो उस वाली मसल्स है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कैसे? सांस भरी कॉन्ट्रैक्ट, सांस छोड़ी रिलैक्स। इससे मुझे एक ना बहुत अच्छा एक एग्जांपल याद आता है, मैं स्यासा में थी तो वहाँ एक योग थेरेपिस्ट ने एक स्टोरी शेयर की कि एक बार नागरत्ना दीदी ने किसी को सजेस्ट किया था कि कोई बहुत एल्डरली कोई आया था पेशेंट, उसको यूरिन का इशू था तो उनको अश्विनी मुद्रा सजेस्ट की गई थी। तो अश्विनी मुद्रा दीदी ने कैसे सजेस्ट की थी उनको? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो अब वो एक महीने बाद जब स्टेटस पूछा गया तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, तो उन्होंने पूछा कि इम्प्रूवमेंट कैसे नहीं है, कैसे किया था? तो उन्होंने कहा
कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो हाथों को मत देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आपकी जो नीचे की मसल्स हैं, मसल्स को स्क्वीज करना है। इनहेल करते हुए स्क्वीज, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स। इस तरीके से अपनी नीचे की मसल्स के साथ भी करना है, और ये आप कभी भी कर सकते हैं। जितनी बार आप करेंगे उतनी ज्यादा ही आपकी नीचे की मसल्स स्ट्रांग बनेगी। वो स्पिंक्टर्स की जो मसल्स वीक हो गई थी वो और स्ट्रांग बनेगी। मॉर्निंग में इधर उधर टीवी देखते हुए खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, किचन में खड़े हुए हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टिप नंबर टू क्या है कि आप हमेशा जब भी योग अभ्यास करेंगे, हमेशा योग मैट के ऊपर करेंगे, कभी भी फ्लोर के ऊपर आप अभ्यास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप अब योग अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, और आपको पता है, ये तो फिजिक्स में हर किसी को पता है कि जो ग्राउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। तो आप ग्राउंड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो पॉजिटिविटी होगी वो ग्राउंड में सारी लीक हो जाएगी। तो इसलिए अपनी और हाँ और अपना आपका अलग मैट होना चाहिए। कभी भी मैट शेयर ना कीजिए कि आपकी एनर्जी दूसरे के पास जा रही है, दूसरे की आपके पास। जनरली मैंने देखा है स्टूडियो में अक्सर ऐसा होता है कि आप जाते हैं रैंडमली कोई मैट, किसी का भी मैट पिक कर लेते हैं। तो आपका मैट खुद का होना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उसमें कंजर्व्ड होती है। तो एनर्जी कंजर्व्ड होती है, प्लस फ्लोर पे इसलिए भी नहीं करना चाहिए मैकेनिकल रीजन की वजह से कि आप स्लिप कर सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है, आप गिर सकते हैं। तो ये हो गया टिप नंबर टू। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।